ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है पोहा और आलू का कबाब, वो खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। फिर हम देर नहीं करते हैं और झटपट कबाब बनाकर रेडी करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे के और आलू के कबाब, जिसको बनाने के लिए मैंने 4 बॉईल आलू लिया है। दोस्तों, ये उबला हुआ आलू है और 4 प्याज है, इसको धो के छील के साफ कर लिया है। 4 हरी मिर्च है दोस्तों, ये 4 हरी मिर्च है। मिर्ची स्वाद अनुसार है, हरी मिर्च को यदि आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर और कबाब में बहुत टेस्टी लगता है। और ये 2 चम्मच के करीब सफेद तिल है, 2 चम्मच सफेद तिल है, जरूरत के हिसाब से इसे यूज करेंगे। और ये आधी कटोरी चावल का आटा है, इसे हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। और इसे पोहा बोलते हैं, ये पोहा है। इसे बहुत सी जगह चूरा को, कुछ जगह पे पोहा, अलग अलग नाम से जानते हैं, इसे पोहा बोलते हैं मेरे यहाँ। तो ये मैंने 1 कटोरी लिया है, इसको हमें पहले सोक करना है 1 मिनट के लिए पानी में, और फिर इसका पानी निकाल के छान के चलनी में डाल देंगे तो ये फूल जाएगा। दिखा देती हूँ, मैंने पहले से धो के रख रखा है। जो 1 कटोरी पोहा लिया था, ये फूल के दुगना हो जाता है दोस्तों। तो मैंने ये पोहा ले लिया है, ये देखिए। अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करके लेना है हमें, और प्याज को हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। चलिए करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। ये मैंने एक थाली ले ली है दोस्तों, और ये ग्रेटर ले लिया है। अब हम इससे आलू को ग्रेट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, दिखा देती हूँ। बॉईल आलू है, इस तरह ग्रेट करना है हमें आलू को। सभी आलू को ग्रेट करेंगे हम इस तरह। ग्रेट करके लेने से अच्छे से बन जाएगा हमारा कबाब। ग्रेट करके ही लें इसको, इससे गठाने और एक आलू की डली नहीं बंधेगी। ये देखें, ग्रेट करके आलू लेने से आप हाथों से भी इसे मेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह हम सभी आलू को ग्रेट करेंगे और बहुत आसानी से हो जाता है दोस्तों इसे ग्रेट करना। ये देखें, इस तरह ग्रेट करना है हमें। चलिए सभी को ग्रेट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है, ये दिख रहा होगा आपको। इसी तरह हमें ग्रेट करना था। अब हम इसमें ये जो पोहा हमने धो के भिगो के रखा था पानी में, 1 मिनट धोने के बाद रखें, और उसके बाद इसे चलनी में छान लें और इसे ऐसे ही छोड़ दें 2 मिनट के लिए। तो ये फूल जाएगा इस तरह, और जब ये फूल जाएगा तो हम इसको हाथों से इस तरह मैश कर लेंगे दोस्तों। इस तरह बहुत आराम से हो जाता है। चलिए इसमें मैश करके ही, इसमें हमें इसे इस तरह हाथों से प्रेस करके ही डालना है दोस्तों। ये देखें कितने आराम से हो रहा है। थाली में रख के कर लेते हैं प्रेस इसे हाथों से। ये देखें, पहले पोहे को क्रश करेंगे अच्छे से, तभी हम इसमें प्याज और हरी मिर्च को डालेंगे दोस्तों। तो हम इसे अच्छे से क्रश कर रहे हैं, ये देखें। आलू के साथ अब मैश करेंगे इसे। इस तरह क्रश करने के बाद हम इसे आलू के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से, हाथों से दबा दबा के क्रश करेंगे इसे। ये देखिए, अब ये हो गया है। अब इसमें हम कुछ चीजें मिला लेते हैं, फिर इसको फिर से मिक्स करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हरी मिर्च जो काट के रखी है वो डालेंगे। ये 4 हरी मिर्च है दोस्तों, और ये प्याज है। प्याज मैं 2 टिप्स दे रही हूँ आपको। प्याज को और हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, उतना ही कबाब का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। प्याज कबाब में प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, जितनी छोटे टुकड़ों में कट करेंगे प्याज को, और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा कबाब हमारा।
इसलिए प्याज को और हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट करके डालें। ये देखिए मैंने हरी मिर्च को कितने छोटे टुकड़ों में कट किया है, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह कट करके डालिए। यदि आप नहीं खाते हैं हरी मिर्च तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च का स्वाद और अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे दोस्तों। मसाले ऐड करने से पहले मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ दोस्तों। ये देखिए हम इसमें ज्यादा चावल का आटा नहीं डालेंगे। ये छोटी मसाले वाली स्पून है, बट तो 2 चम्मच आटा मैंने इसमें लिया है चावल का। धनिया पाउडर 2 स्पून, छोटे स्पून से मैंने 2 स्पून धनिया पाउडर लिया है। आधी चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला हम ज्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यदि आप तीखा कम खाते हैं तो स्किप कर दें। आधी चम्मच चाट मसाला, 2 पिंच हींग है, आप नहीं खाते हैं जो वो स्किप कर दें। आधी चम्मच अमचूर पाउडर है, आप खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर दें। नमक स्वाद अनुसार है, 1 स्पून नमक है दोस्तों। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। आलू पोहा कबाब बना रहे हैं, आलू पोहे का हम कबाब बना रहे हैं दोस्तों, तो हम इस तरह इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हाथों से दबाते हुए मैश करना है हमको। ये देखे बहुत स्वादिष्ट बनता है दोस्तों, एक बार जरूर बनाइए। कोई भी मेहमान आए ये झटपट बन के रेडी होता है। यदि आपके फ्रिज में आलू रखे हैं तो पोहे को फुलाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, पोहे को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है। ये देखे अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये हाथों को दबाते हुए हमें इसे मिक्स करना है इस तरह। ये देखें अब इसमें चावल के आटे की जरूरत नहीं है। ये देखें अभी इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी बाइंडिंग देखेंगे दोस्तों। बाइंडिंग के हिसाब से ही हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। ये देखें इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, ये देखें एकदम ड्राई बाइंडिंग है। ये देखिए दोस्तों इसको हम मैंने अच्छे से मिक्स करके ये एक हमारे डो फॉर्म में आ गया है, आटे की तरह जिस तरह हम आटे को मिक्स करते हैं। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम 2 रोल बना लेंगे इस तरह पतले। ये देखिए दोस्तों मेरे पास हरा धनिया नहीं है इस समय, इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला है। आप इसमें हरा धनिया अदरक ग्रेट करके डाल सकते हैं, हरा धनिया कट करके, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। इस समय मेरे घर पे है नहीं। और इसमें हल्दी भी आप यूज कर सकते हैं, मैं हल्दी यूज नहीं कर रही हूँ दोस्तों। ये देखें मैं इस तरह इसके रोल बना ली हूँ। अब इसको हम कट करेंगे और इस तरह दबाते हुए ये देखें ऐसे कबाब बना के रेडी करेंगे दोस्तों। इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरह। ये देखिए सभी कटलेट को हम इस तरह रेडी करेंगे। और दिखा देती हूँ दोस्तों, एक साइज के कटलेट रेडी करना है हमें। सेप तो आप कोई भी बना सकते हैं। ये देखिए आप जितना प्याज और हरी मिर्च को बारीक काटेंगे उतना ही ये देखने में भी सुंदर लगेगा दोस्तों, और खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। ये देखे इस तरह हाथों से ही हमें से रेडी करना है। ये देखे चलिए सभी को बना के रेडी करके दिखाती हूँ। सभी कबाब को मैंने बना के रेडी कर लिया है इस तरह, इस शेप में। आप कोई भी शेप में इनको बना सकते हैं। ये देखिए पूरा रेडी है दोस्तों। अब जो सफेद तिल लिए ना दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा इसी थाली में जिसमें हमने इसको मिक्स किया था उसी में हमने सफेद तिल को डाल दिया है, और इस तरह सफेद तिल को फैला देंगे। और ये देखे और इससे हल्का सा दबा देंगे इस तरह, उससे क्या ना इस पे अच्छे से सफेद तिल चिपक जाएगी और ऑयल में खुलेगी नहीं। ये देखे
हम सभी कबाब को इस तरह तिल लगा के रेडी करना है हमें। और जो बची हुई तिल है उसको भी डाल लेंगे इस तरह। इन सभी चीजों में जो आप नहीं खाते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। सभी तिलों को हम इस तरह कबाबों में सभी तिल इस तरह लगा देंगे। दोस्तों, मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें तिल बहुत अच्छे से दिखते हैं। हल्दी लगाने से इसमें जो प्याज का कलर दिख रहा है ये बीच बीच में, और पर्पल कलर है जो प्याज का, वो बहुत सुंदर लगेगा अभी फ्राई करने के बाद। इसलिए मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप कर सकते हैं। ये देखे, हमें सभी तिल को इस तरह दबा देना है, सभी कबाब में लगा के रेडी करते हैं। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए, चलते हैं हम गैस की तरफ। ये देखे, फ्राई पैन ले लिया है मैंने, इसमें हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है दोस्तों, ऑयल मेरा अच्छे से हीट कर रहा है। ये देखे, हाथों में हीट लग रही है। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो करने के बाद जो हमने कबाब रेडी किया है वो डालेंगे इस तरह। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। एक बार में जितना कबाब इसके अंदर आ जाएंगे उतना ही हम रखेंगे। अब ज्यादा इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, अच्छे से इसको पलटा सके हम। गैस की फ्लेम इस समय स्लो है। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे मीडियम के बीच में, क्योंकि यदि हम इसको बिल्कुल स्लो रखेंगे तो ऑयल पी जाएंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है, थोड़ी देर मीडियम पे करेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम स्लो कर रही हूँ, मीडियम टू लो करते हुए ही हमें इसे पकाना है, तभी ये क्रिस्पी होंगे। यदि हम हाई फ्लेम पे इसे करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे दोस्तों, और जल्दी जलने लगेंगे। तो हमें इसे लो टू मीडियम करते हुए पकाना है। अब जैसे हीट लगने लगी है तो मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। अब इसको हम पलटा के देंगे। ये देखे, इस तरह जब एक तरफ से सिक जाएगा तभी हम इसे पलटाएंगे। ये देखे, कलर कितना प्यारा आया है, मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि लकड़ी के उससे पलटाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब इसको चारों तरफ से सिकने देंगे इसी तरह। ये देखिए, अब ये सिक गया है, अब इसे हम पलटा देंगे। गैस की फ्लेम इस समय मीडियम कर दी है मैंने। ये देखिए, अच्छे से ब्राउन हो गए हैं दूसरी तरफ। एक ब्राउन होने के बाद ही हम इसे पलटाएंगे दूसरी तरफ। ये देखिए, सभी को पलटा देंगे अब हम। ये देखिए दोस्तों, कलर कितना अच्छा आया है कबाब का हमारे। मैं इसको फ्राई पैन में कर रही हूँ, आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। और आप लोग पहले इसको बना के खाइए, उसके बाद ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। और आप बताइए आपको क्या रेसिपी आगे देखना है, तो मैं वही रेसिपी आपके सामने लेके भी आऊंगी। अब मौसम आ गया है ठंड का दोस्तों, तो कबाब, कटले, कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है ठंड के मौसम में। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ इसे एक बार और पलटा देंगे। अच्छे से ब्राउन कलर में
कुरकुरा हो जाने देंगे हम इसे। गैस की फ्लेम अब मैंने मीडियम कर रखी है दोस्तों, क्योंकि ये अंदर तक सिक गया है। अब इसे हमें ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से क्रिस्पी करना है, तो हम थोड़ी देर में इसे पलटा देंगे इस तरह। धीरे से पलटा दिया मैंने, ये देखिए, और सभी हमारे रेडी है बिल्कुल। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों। गैस की फ्लेम स्लो कर दी है मैंने इस समय। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है दोस्तों, अब इनको हम निकालेंगे प्लेट में। दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं, ये देखें, और प्याज का कलर कितना प्यारा आया है दोस्तों। बीच बीच में हल्दी का इस्तेमाल ना करें आप, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है, ये देखें दोस्तों। हम सभी को निकाल लेंगे इस तरह। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी को प्लेट में निकाल लिया है इसी तरह। ये देखिए, सभी को प्लेट में निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ है, अब थोड़ा सा हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे इस समय। अब ये जो हमारे बचे हुए कबाब हैं, इनको भी लगा देंगे इस तरह। सभी को लगा देंगे इस तरह, जैसे हमने पहले वाले पहले कबाब सेके थे उसी तरह इनको भी सेक लेंगे लो टू मीडियम करते हुए। चलिए कर लेते हैं, और जो हमारे सिक गए हैं हम इसे सर्व करते हैं। कबाब हमारा रेडी है दोस्तों। ये देखिए आप लोग, ये कितनी क्रिस्पी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्रिस्पी इतने हैं कि आपको आवाज आ रही होगी। चलिए अब मैं इसे चटनी सॉस के साथ सर्व करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कबाब मेरा बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। ये देखिए, दोनों तरफ से आपको घुमा के दिखा दे रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, सभी तरफ से अच्छा सिका हुआ है, एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी। इसी तरह आप भी बनाइए दोस्तों। ये देखिए, पोहा कबाब हमारा रेडी है। बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।